नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है सतीश मेनन और मैं स्पिरिचुअल पेरेंटिंग के इस वीडियो सीरीज में आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो को देखने वाले ज्यादातर लोग पेरेंट्स होंगे, माता पिता, मॉम डैड, मम्मी पापा होंगे, है ना दोस्तों। कुछ जमाने पहले तक आप लोग गुड लुकिंग क्यूट कपल हुआ करते थे। अब एक नया जीवन आपके जीवन के साथ जुड़ जाता है, तब से आप बन जाते हो पेरेंट्स। ये बदलाव बड़ा ही मीठा है और मैं ज्योतिष होने के नाते ये भी बोलूंगा कि ये बहुत भाग्य से ही मिलता है। तो जब ये बदलाव आ जाता है, हम पेरेंट्स बन जाते हैं, तो रेस्पॉन्सिबिलिटीज भी बढ़ती है, साथ में बढ़ते हैं एक्सपेक्टेशंस। और एक्सपेक्टेशंस तो बहुत ज़्यादा और हर दिशा से, हर डायरेक्शन से आती है। आपके खुद के एक्सपेक्टेशंस हैं, घर परिवार वालों के अलग, साथ में सोसाइटी और समाज के अलग, बच्चे के पढ़ाई को लेकर, सेहत को लेकर, खेल कूद को लेकर, कई सारे एक्सपेक्टेशंस। पढ़ रहा है तो फिर उसे इंजीनियर, डॉक्टर, पायलट, एस्ट्रोनॉट बन जाना चाहिए। खेल कूद में रुचि क्या दिखा दी तो फिर तेंदुलकर या कोहली बन जाना चाहिए। हाँ, अगर डांस कर रहा है तो भाई फिर अगला माइकल जैक्सन बन जाना चाहिए। एक्सपेक्टेशंस तो बहुत सारे हैं और कहीं ना कहीं इन एक्सपेक्टेशंस का बोझ आप चाहते ना चाहते हुए भी बच्चों को पास ऑन करते ही हो। और बच्चे बेचारे छोटी उम्र में इतना सारा एक्सपेक्टेशन का डाउनलोड ले लेते हैं। वो भी सीख जाते हैं कि दुनिया ऐसी चलती है, यहाँ पे फर्स्ट को और फास्ट को लोग सलाम ठोकते हैं, तो चलो भागो, हम भी रेस में शामिल हो जाते हैं। शुरू शुरू में तो पेरेंट्स भी कंफ्यूज होते हैं कि करना क्या है, इसीलिए जहां मौका मिला बच्चों को भर्ती करते हैं, स्विमिंग क्लास, म्यूजिक क्लास, डांस क्लास वगैरह वगैरह। किसी पड़ोसी ने इसके बाद बताया, अरे वहां पे एक चेस क्लास है, आपने भेजा बच्चों को? अरे नहीं यार, चेस क्लास रह गया, चलो वहां पे भी भर्ती करते हैं। ऐसा करते करते बच्चे बेचारे सवेरे स्कूल, फिर ट्यूशन, फिर दुनिया भर की क्लासेस, ऐसे करके शाम को थक हार कर घर पहुंचते हैं, मानो जैसे कोई नौकरी करके आ रहे हो। दोस्तों, पेरेंट होने के नाते हम चाहते ही क्या है कि बच्चे सक्सेसफुल हो, खुश हो और अच्छे इंसान बने। पर ऐसा करके हम इंसान तो दूर की बात है, हम उन्हें मशीन बनाने में लगे हुए हैं। और मशीनों का ऐसा है कि मशीनों के पास तो इमोशन या फीलिंग होता नहीं, तो मशीन भले ही इंसान से ज्यादा या बेहतर काम कर ले, फायदा तो कोई नहीं। आप देखिए आसपास, लगभग सारे के सारे लोग ऐसे रूटीन जिंदगी, मशीनों वाली जिंदगी जिए जा रहे हैं। सक्सेसफुल होते होंगे लेकिन फिर भी एक खोखलापन उन्हें काटने को दौड़ता है। और हम भली बात ही जानते हैं कि मशीन भले ही कितना भी अच्छा क्यों ना हो, लेकिन 20, 25, 30 साल बाद उसे जंग लग ही जाता है। ठीक वैसे ही लोगों को भी जंग लग जाता है, क्योंकि लोग अपने इमोशन और अपने फीलिंग के साथ डिसकनेक्टेड है। पेरेंट्स होने के नाते अगर हम हमारे बच्चों के लिए एक आशीर्वाद या एक वरदान आज दे सकते हैं, तो वो ये है कि उन्हें इस फिजूल की रेस से, इस बेकार की रेस से बाहर निकाले। दोस्तों, ये जो वर्ड है ना पेरेंट, ये एक लैटिन वर्ड से आता है, पेरेर। और पेरेर का मतलब होता है टू ब्रिंग फोर्थ, मतलब अंदर से उभारना, निखारना। पेरेंट के नाते हमें हमारे बच्चों के अंदर के स्किल्स को, कैपेबिलिटीज को, टैलेंट को सिर्फ उभारना है, निखारना है, इतना ही कर सकते हैं हम। अब ये कैसे करें, ये सवाल आता होगा मन में, तो इसका जवाब भी बड़ा ही सिंपल है। हमें अपने बच्चों को सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, आत्मचिंतन की प्रेरणा और प्रैक्टिस देनी चाहिए। वो इंसान है, मशीन नहीं, उन्हें उनके फीलिंग्स के साथ कनेक्ट करने सिखाइए। स्टेप्स मैं बताता हूं। दिन के आखिर में सोने से पहले 10 मिनट, सिर्फ 10 मिनट चाहिए। सारे गैजेट्स, मोबाइल, टीवी, लैपटॉप सब बंद कर दीजिए। 10 मिनट बच्चों को खुद के साथ अकेले बैठकर सोचने की प्रैक्टिस दीजिए। वो बैठेंगे और सोचेंगे कि आज का मेरा दिन कैसा रहा, मैंने आज क्या सीखा, अच्छा क्या देखा, बुरा क्या देखा, आज की एक सीख जो मुझे आगे जीवन भर काम आए, ये उन्हें सोचने के लिए बोलिए। जरूरत पड़े तो आप भी बैठिए, बड़े बच्चे हो तो उन्हें जर्नल में या डायरी में लिखने के लिए बोलिए और उनके साथ ये फीलिंग्स, ये डिस्कशन कीजिए, शेयर कीजिए।
ये एक सही मौका है जहां आप पता लगा सकते हो कि उनके अंदर कैपेबिलिटीज क्या है, उनके स्किल्स क्या है, उन्हें किस चीज से सेटिस्फैक्शन मिलती है। प्लीज ब्रेन वॉश मत कीजिए, अपने आइडियाज उनके दिमाग में मत डालिए, दुनिया के आइडियाज उनके दिमाग में मत डालिए, उनसे आइडियाज लीजिए। आप तो सिर्फ शांति से बैठिए और सुनिए कि वो लोग क्या कह रहे हैं। मैं तो ये भी कहूंगा कि आप भी ये एक्सरसाइज खुद के लिए कीजिए। आज मैंने दिन में क्या सीखा, मैंने जो सीखा मुझे लाइफ में कैसे काम आए, राइट, ये उनके साथ भी शेयर कीजिए। दोस्तों जब आप ऐसा करते हो तो ट्रांसपेरेंसी बढ़ती है और आप देखोगे आपके उनके साथ, अपने बच्चों के साथ बॉन्डिंग बहुत ज्यादा हो जाएगी। साथ ही बच्चे इमोशनल अंडरस्टैंडिंग और इमोशनल इंटेलिजेंस में भी ऊपर आ जाएंगे। बच्चे आपकी पर्सनालिटी के लेयर्स को समझना शुरू करेंगे। वो आपको पूछेंगे आपके रोल मॉडल्स कौन है, आपकी फेवरेट बुक्स कौन सी है, और वो उन चीजों को ट्राई आउट करेंगे, परखेंगे। धीरे धीरे डिस्कशंस के साथ वो कुछ नई चीजें सीखने लग जाएंगे, जैसे हर कोई परफेक्ट नहीं होता, मिस्टेक करना ओके है, कोई पाप नहीं है, मिस्टेक किया तो उससे सीख लेनी चाहिए और हमारे डिसीजंस के लिए हमें ही ओनरशिप लेनी चाहिए। इस तरह की वो बातें सीखने लग जाएंगे। ऐसा करके आप बच्चों को एक सॉलिड ह्यूमन फाउंडेशन देते हो। वो कैपेबल भी होते हैं, फ्लेक्सिबल भी होते हैं। कोई भी दुनिया के इवेंट के बारे में अपनी बुद्धि, अपनी इंटेलिजेंस लगाकर सोचने की क्षमता रखते हैं। फिर दोस्तों वो इंडिपेंडेंट भी बनेंगे और सबसे जरूरी बात, इंडिविजुअल भी बनेंगे। उनकी रेस उनके खुद के साथ होगी, खुद से बेहतर होने की होगी। वरना आप देखिए जिस तरीके का स्टूडेंट कम्युनिटी तैयार हो रहा है हमारे आसपास, लोग ग्रुप्स में या गुट में बिलीव करते हैं, इंडिविजुअल थिंकिंग तो रहा नहीं। 10th 12th के जब रिजल्ट्स निकलते हैं लोग डरते हैं कि सुइसाइड रेट्स बढ़ ना जाए। बाकायदा कॉल सेंटर्स खुलते हैं काउंसलर्स के। क्यों? क्योंकि जी बच्चे को तो बहुत स्ट्रेस है, काउंसलर से तो बात करनी पड़ेगी। मेरा प्रश्न यह है कि 10-15 साल जिन माँ बाप के साथ और जिन भाई बहनों के साथ उसने निकाला है, उनसे बड़े काउंसलर्स हो सकते हैं क्या कहीं पे? इसका मतलब है हमारे परवरिश की मॉडल, हमारे इस झूठे से, इस फिजूल से रेस में भागने की मॉडल की टोटल फेलियर हो चुकी है। इसीलिए बच्चों को सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, आत्मचिंतन की प्रैक्टिस दीजिए। उनका आत्मविश्वास और आत्मसम्मान बढ़ाने में मदद कीजिए। पेरेंट्स इससे ज्यादा और इससे इंपॉर्टेंट गिफ्ट बच्चों को दे ही नहीं सकते। आशा है आप इन विचारों से सहमत हैं। स्पिरिचुअल पेरेंटिंग के अगले वीडियो में मैं ऐसे दो चीजें बताऊंगा जो बच्चों के डेवलपमेंट के लिए काफी जरूरी है। सब्सक्राइब रहिए, साथ ही ये वीडियो अपने जैसे ही पेरेंट्स के साथ और शेयर कीजिए। अपने ओपिनियन और अपने विचार YouTube के कमेंट बॉक्स पर लिखकर जरूर बताइए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जल्दी मिलेंगे।